एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज साक्षी दंजल और मैं हूँ रमन ढींगरा के साथ। हम आए हैं आमेर फोर्ट, जो कि अंबर फोर्ट भी कहलाता है। फिलहाल हमने ये किराए पे लिया छाता और मैंने रमन को दिलवाई एक टोपी। इट्स नॉट ऑन किराया। सो अगर आप यहाँ पे लोकल मार्केट से चीज़ें खरीद रहे हो, इट हार्डली कॉस्ट यू 1500 रुपीज़। और मेरे पीछे जो व्यू है, लेट मी टर्न द कैमरा। सो दिस इज आमेर फोर्ट। बेसिकली इसकी क्या स्पेशलिटी है, लेट कम टू दैट पॉइंट। फिलहाल यहाँ बहुत भीड़ रहती है, अगर आप कभी भी आ जाओ साल में। इसकी स्पेशलिटी ये है, जब यहाँ पर राजघराने की शादियाँ होती हैं तो यहाँ पर शाही तरीके से घोड़े ऊपर हाथी ऊपर जाते हैं, या फिर हाथियों पर लोग जाते हैं ऊपर, एंड बहुत शाही तरीके से शादी होती है। एंड अगर आप आ रहे हो घूमने तो 1100 रुपये हाथे की राइड है। प्लस हमने गाड़ी पार्क करी है मतलब नॉर्मल पार्किंग में, अदरवाइज गाड़ी आपकी एक रास्ते से ऊपर की तरफ जाती है जहाँ से 50 रुपीज़ कटते हैं, पार्किंग के लिए 50 रुपीज़ है। जैसे आप ऊपर की तरफ स्टार्ट करोगे चढ़ना, सो यू विल फाइंड देयर आर लॉट ऑफ वेंडर सेलिंग लॉट ऑफ स्टफ। और कुछ इस तरह की चेयर्स हैं जैसे कि आपको सामने दिख रही हैं। कुछ 900 सीढ़ियाँ नहीं है, ये तो 300 भी नहीं लगी, और इतनी बड़ी बड़ी तो सीढ़ियाँ हैं, इतने आराम से चढ़ी जाती हैं। फाइनली रीचिंग टू द एंट्रेंस पॉइंट। गेट लुक्स एक्चुअली अमेजिंग ना, मतलब ये आर्किटेक्चर बहुत पुराना है गाइस। अंदर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं इस 3 किलोमीटर फोर्ट को। फाइनली रीचिंग फोर्ट के अंदर, और आप देख सकते हो कितनी सारी भीड़ है। लोग आज सारे यहीं आए इंडिया के। नमस्ते भैया, कहाँ से हो आप? यहीं से हो, लोकल गाइड हो? अच्छा। दीवाने आलम द होल्ड ऑफ द पब्लिक ऑडियंस। पहले ये खुला होता था बट अब ये बंद हो चुका है। ये महाराजा सवाई राम सिंह ने सेकंड एक्चुअली 1835 AD में बनाया था। मैंने लास्ट टाइम इसके अंदर डांस किया था, हुई जो मैं तेरी दीवानी मस्तानी हो गई। देखिए प्यार की असली निशानी। अंकल आंटी जी नमस्ते, कहाँ से आए आप? कहाँ से? हेलो, कहाँ से आए हैं आप? एमपी मध्य प्रदेश से। कितने साल हो गए आपकी शादी को? हमारी शादी तो हो गए 79 में हुई थी। 79 में घुमाते हैं आपको आज भी। गाइस चेक करो कितनी भीड़ है, कितनी ही भीड़ है। सिर्फ एक शॉट लेने के लिए लोग तरस चुके हैं। मुझे शॉट लेना है। रमन भी ऐसा ही है। सो गाइस ये वाला जो एरिया है ना, ये जैसे कि जैसलमेर, मतलब यहाँ पे राजस्थान में कहीं पे भी जाओ, जयपुर में जाओ तो बहुत गर्मी पड़ती है, तो ये संगमरमर से बना हुआ है, जिसमें ना इसके पीछे ना एक ऐसी जगह है जहाँ से यहाँ के अंदर महल के पीछे की तरफ एक नहर बहती है, जिसकी वजह से ये पूरा गर्मी में ना ठंडा रहता है। तो पहले कहते हैं ऐसे, मतलब देख रहे हो कितने नेचुरल तरीके से पहले कूलिंग करते थे, और हमें देखो हम एसी में ज़िंदगी काटते हैं। एरिया में सबसे ज़्यादा लोग कलाकारी देखने आते हैं। कितनी सुंदर है ना, अगर आप यहाँ पर खड़े हो तो ये शीशे हैं, इसके अंदर पिक्चर आती है। सो गाइस यहाँ पर रात को ना लाइट शो होता है, इस लाइटिंग शो एक्चुअली में, और जो सिटिंग अरेंजमेंट होता है ना वो सारा उस जगह पर है। एंड ये भी एक बगीचा है, अब तो सब बंद हो चुका है बट गवर्नमेंट इसको बहुत मेंटेन कर रही है। सो गाइस अगर हम छत की तरफ आते हैं तो व्यू कुछ ऐसा ही है। आई हैव नेवर बीन टू दिस वाला महल। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, ये फोर्ट कुछ 3 किलोमीटर का है, जैसे कि गाइड बोलते हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, आई हैव टू चेक। सच तो ये, तो हम उस वाली जगह से ऊपर की तरफ जा सकते हैं, नीचे से एक रास्ता निकल रहा है, बट ये जगह बहुत ही खूबसूरत लग रही है। ये आर्किटेक्चर बहुत ही पुराना है, और नीचे जहाँ हम पहले गए थे वो सर्दियों में, मतलब गर्मियों में, राजा रानी का बेडरूम कहलाता था। कुछ भूल भुलैया से घूमते हुए यहाँ कोई रास्ता जा रहा है, एंड इट्स गोइंग टूवर्ड्स कौन सा तहलखाना या फिर क्या कौन सी गुप्त जगह, आई एम नॉट श्योर। तुम्हें क्या लगता है ये रास्ता कहाँ जा रहा है? नीचे किसी गुफा में जा रहा होगा। तुमने गर्लफ्रेंड से अटैच नहीं, नहीं तुम गर्लफ्रेंड से चैट कर दो पहले। कौन सी गर्लफ्रेंड, मैं सिंगल हूँ।
सिंगल जाना हूँ, सिंगल जीऊंगा, सिंगल मरूंगा, आई एम हैप्पी सिंगल। रिकॉर्ड हो चुका है। इट्स टाइम टू से गुड बाय टू दिस ब्यूटीफुल प्लेस। वी आर एट द एग्जिट एंड वी जस्ट हैड अ गुड एक्सपीरियंस। आई गेस तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा? काफी अच्छा, काफी अच्छा। फूड वाज गुड, वर्थ विजिटिंग। जिसके पास पैसे ज़्यादा हैं वो विज़िट कर सकते हैं 1135 एडी पुरारा रेस्टोरेंट नंबर 4 में, जो कि इस तरफ से है। और हम चलते हैं आगे की तरफ। पहले मैं सोशल मीडिया से कुछ हल नहीं कर पा रही हूँ, लोग समझते हैं। गांव का मीना बाजार जो टिकट लिया ना पैलेस वाला, उसी में इंक्लूड इसका सेकंड पार्ट है। देख क्यों मैडम, गांव का मीना बाजार चलना, मीना बड़ी दुकानों से गांव का मीना बाजार बहुत बढ़िया हो जाएगा। टिकट में इंक्लूड है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं। तो गाइस ये है सीक्रेट गेट, देखो लोग कैसे एंटर कर रहे हैं। आओ बेटा आ जाओ आ जाओ, गोदी में उठा लेता हूं आपको। सो ऐसा गेट है ये, सीक्रेट गेट। हम भी एंटर करते हैं इस सीक्रेट गेट के अंदर। ये 1 एंड 2। रमन आ जाओ, दूसरी दुनिया में स्वागत है तुम्हारा। सो हम जा रहे हैं कुछ गांव की तरफ। हम जो टिकट 100 रुपए की खरीदी है उसी में हम गांव घूमने जा रहे हैं। तो टिकट दिखाने के बाद भैया हमें ये फ्री की राइड दे रहे हैं। एक्चुअली में गवर्नमेंट की गाड़ी है जो गांव पे ले जाती है। पहले क्या मशीनरी तो होती थी, लकड़ी के ब्लॉक्स हुआ करते थे, इसी सहायता से बनाते थे। तो आज भी हम इसी आर्ट से बनाते हैं। आपको इसलिए दिखाते हैं, अगर आप कपड़े को गर्म पानी, ठंडा पानी, काशी थोड़ा सा धोगे ना, लास्ट में कपड़ा फट जाएगा, कलर नहीं जाएगा। ये कला है आगे, इधर रेडी कलेक्शन ऊपर है, ये भैया को बताएंगे। देखो सो लेट्स जस्ट एंड द ब्लॉग फॉर द डे। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़। होप यू लाइक द ब्लॉग।